पिछले एपिसोड में आपने देखा चतुर्वेदी फैमिली की अजीबोगरीब सोच को देखकर हैरान सोना बिनिया रेनू के नए फैसले को सुनकर और परेशान हो जाती है। मैं उन दोनों पार्लर की लड़कियों को ना बाहर निकालने वाली हूँ और वो 10,000 रुपए अब मेरे घर पे आएंगे। मैं इस घर में नॉट कमिंग बिफोर 10। इतना ही नहीं, देर तक काम कर रही नीलम का हाथ बटाने जब सोना आती है तो ज्ञानेश्वर जी उससे कहते हैं, ये घर एक हरे भरे वृक्ष की तरह है बेटा, लेकिन फल और साये की उम्मीद दिखाई नहीं देती। सोना पर इस बात का गहरा असर होता है। नतीजन सोना अपने घर और परिवार को संभालने के लिए और हाउसवाइफ के काम को महत्वहीन समझे जाने के नजरिए को बदलने के लिए खुद एक गंभीर फैसला लेती है। आज से हम इस घर की हाउसवाइफ बनेंगे। अब देखिए आगे। अहो, ये क्या कह रहे हो तुम? हाथ से पैर का काम नहीं लिया जाता, जिसको कलम चलाना आता है वो कलम ही चलाता है, समझ रही हो ना? मम्मी जी, आजकल पैर भी हाथों की तरह ही काम करना सीख गए। सोना बहू, बहुत मजाकिया हो, लेकिन ये मजाक का वक्त नहीं है। शुभ घड़ी बीती जा रही है, जाओ खड़े खड़े पेट्रोल मत जलाओ, बहुत महंगा हो गया, ऑफिस जाओ, जाओ। पेट्रोल जले तो जले मम्मी जी, घर ना जले। हम इस घर की हाउसवाइफ का ही काम करेंगे, क्योंकि घर चलाना देश चलाने से कम बड़ा नहीं होता, और इसी में ही पूरे परिवार की भलाई भी है। अरे सोना, अरे क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? यहाँ से चलिए, घर में नहीं तो रास्ते में प्यार कर लेते हैं। अब मतलब मम्मी जी का दिल मत दुखाइए, चलते हैं, रास्ते में खुद भी हंसिए, हमें भी हंसाइए, चलिए आइए। सुनिए, हम जानते हैं हमारा काम पे ना जाना मम्मी जी को खलेगा, लेकिन लाफ्टर थेरेपी से यहाँ काम नहीं चलेगा। हम पूरे होश हवास में ये फैसला कर रहे हैं कि आज से हम इस घर की हाउसवाइफ बनकर ही रहेंगे। बहू ने तो भाभी को चारों खाने चित कर दिया। मुझे चक्कर आ रहा है, मैं हिल रहा हूँ। बड़े भैया, आप नहीं, मम्मी जी हिल रही है। दरअसल भाभी को सोचने के लिए वक्त चाहिए होगा, वरना भाभी को कभी सदमा लगते हुए देखा नहीं। और अगर वाकई ये सदमा है तो इन्हें जल्दी से इससे उभर आना चाहिए। दादी कब तक ठीक होगी? मुझे कॉलेज जाना है। ठीक नहीं हुई तो इस साल घर में बैठी रहोगी। आप कैसे लग रहा है? अगर मामला संभला नहीं ना देवर जी, तो सब आप पर आएगा, याद रखिएगा। मम्मी जी, मेरा तो दूसरी बार सेहरा बांधने का सपना ही टूट गया। कितनी उम्मीदें थी आपसे, एक बार तो कह दिया होता, इशारा ही कर दिया होता कि यह आपकी आखिरी डाक है। भैया आप भी हद करते हैं, इतनी कठिन घड़ी में आपको अपनी और अपने डाक की पड़ी है। बड़े भैया, अगर सच में मम्मी जी के पास वक्त बहुत कम हुआ तो कितना बुरा लग रहा होगा मम्मी जी को। अरे चुप कर, अरे अभी नहीं मरेंगे हम। ये सब ऐसे कैसे घूर घूर कर हमें देख रहे हो, जैसे किसी अजगर को पकड़ के रखा हुआ है। पता नहीं ये मम्मी जी अजीब अजीब बातें कैसे कर रही हैं, कहीं मम्मी जी के माइंड का लाइन हाजिर तो नहीं हो गया कहीं? मम्मी जी, हम आपके लाडले कन्हैया हैं।
और आप बताइए ये कितनी उंगलियां हैं? कन्हैया, 40,000 की गिनती के बाद हम 1, 2, 3, 4 करें? कैसी बातें कर रहे हो, हमसे नहीं होगा। मम्मी जी ये घोल पी लीजिए, आपका भी पीलो हो गया होगा ना। खट्टा सामने से, वरना इसे पिला पिला के तेरा बीपी हाई कर दूंगी। अमे, ये मम्मी को कितना गुस्सा आने लगा। मैं अमे मम्मी गुस्सा थूक दो। और चलो ये बताओ ई का नाम क्या है? अरे ये तो मम्मी जी के आईज का ट्विंकल ट्विंकल स्टार है, हाउ कैन शी फॉरगेट, है ना मम्मी जी? अगर मम्मी जी के दिमाग का रैपर उखड़ गया तो फिर मम्मी जी कैसे पहचानेंगी कि ये माल तो उन्हीं कंपनी का है? अरे बहू अपनी ब्यूटी पार्लर का ज्ञान रहने दो, हमें उसकी जरूरत नहीं है। रैपर उखाड़ना है तो सोना बहू का उखाड़ो, जो रिपोर्टर की जगह हाउसवाइफ चिपका के घूम रही है। मम्मी जी आपकी तबीयत सच में बहुत खराब लग रही है, आप आराम कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सास कौन है, तुम के हम? अभी हमारे लिए आराम बिल्कुल हराम है। अरे सोचो अगर बहू की नासमझी की वजह से घर में 40,000 आते आते चला गया, क्या से क्या हो जाएगा, यही सोच सोच के हम परेशान हैं। अबे हटो भाई, हटो हटो हटो, मम्मी जी की तबीयत खराब हो रही है मैम, और आप लोग सब लोग देख रहे अब। हाँ तो मम्मी जी हम ये कह रहे थे कि हमें देखिए वक्त का कौनो ठिकाना नहीं है, अब ऊंच नीच कौनो बता के तो नहीं आती मैं, अब आ गई तो आ गई, अब क्या कर सकते हैं? इही लिए हम कहत रहे कि इससे पहले कि तबीयत और गंभीर हो जाए आप फटाक से ये वसीयतनामा लिख लियो। उसके बाद आप हमारी सांस चैन की सांस लियो, हैं? अरे हटो पीछे, शुद्ध शुद्ध हवा आने दो। और दामाद जी आपका 5-6 दिन उपवास रखने का इरादा है का? नहीं ना, तो शांति रखिए। भाभी अब बीती ताही बिसार दीजिए और जरा दिमाग को रेस्ट दीजिए, रेस्ट। भाभी अब उठ खड़े हुई है, वरना ये सबके सब यूं ही खड़े रहेंगे। सब के सब हमारी चिंता छोड़ो, हम बिल्कुल ठीक है। दिमाग हमारा नहीं, सोना बहू का गड़बड़ाया है। कन्हैया जी, मम्मी जी, जाके इसे अकेले में समझाओ। आओ अकेले में समझाते हैं। आओ आप? भाभी अब तो किसी को लंच बॉक्स में एप्पल तो नहीं देना पड़ेगा। चतुर्वेदी फैमिली। ऐसे क्या देख रहे हैं? हम आपसे पूछते हैं, आप ऐसा डिसीजन क्यों ले रहे हैं कि ये जो कॉलर वाली शर्ट पहनने का जो हक है वो हक ना बचे? मेयर रोड से लेके सिविल लाइन्स तक जब आए जाए तो सलूट करने वाले हम पर हंसे। आप इंस्पेक्टर होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, आपका तो कितना रुतबा है। रुतबा तो आपका भी है,
रुतबे वाली नौकरी छोड़ के क्या ये चूल्हा चौका सोना जी? बताओ ऐसा कौन सा एकदम से कौन सा बुखार चढ़ा कि आपको हाउसवाइफ बनने की सूची? आप इतना सारा काम करते हैं, रात दिन अपनी नींद हराम करते हैं, अगर आपकी वाइफ हाउसवाइफ होगी तो आपको आराम नहीं मिलेगा? आराम? वैसे आराम तो हम थाने में बहुत कर लेते हैं, मगर सब हमको क्या कहेंगे कि आप हाउसवाइफ हैं? हमारा सब मजाक बनाना शुरू कर देंगे यार। आईजी साहब की वाइफ हाउसवाइफ, आरडीआईजी साहब की वाइफ हाउसवाइफ, हमारे कन्हैया साहब की वाइफ हाउसवाइफ। यार इज्जत का फलूदा बन जाएगा। ये जो शेर की तरह चलते हैं ना बुलेट पे तन के, ये हक हमसे छिन जाएगा। सोना सही तो है, मैं तुम्हें पहले से ही कह रही हूँ कि कन्हैया तुम्हें अपने रंग में रंग ले, उससे पहले उसे अपने काबू में रखो, और अपने पति को काबू में रखने के लिए उसके सामने समझ की बीन बजाओ, ताकि कन्हैया अपना फन फैलाए, सारी जिंदगी तुम्हारे सामने नाचता रहे। समझ गई ना? सुनिए, आप भूल गए ना आपने क्या कहा था? वैसे बोलते बोलते हैं नहीं हम, मगर कोई अगर याद रखने वाली बात नहीं होती तो उसे याद बात भी नहीं रखते हम। तो आपको ये बात जरूर याद होगी। कौन सी बात? इशारा दीजिए बस। आपने कहा था कि हर किसी की होने की एक जगह होती है। अभी भी कह रहे हैं हम, होती है। और आपने कहा था कि हमारी आंखें 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 जैसे नील कमल। वो तो है, कोई भी यही कहेगा, मगर हमारे अलावा किसी और को कहने की इजाजत नहीं, मार मार देंगे हम। और ये भी कहा था कि हमारा चेहरा जैसे पूनम का चांद। वो तो है, मार सड़क पे निकल जाए तो ट्रैफिक जाम हो जाए, मगर कन्हैया लाइन ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होने देगा। और ये भी कहा था कि धूप में हमारा सुंदर चेहरा सांवला हो जाएगा। वो तो हो जाएगा। जब ऊपर वाले ने ये खूबसूरत चेहरा बनाया तो साथ में अगर एक अम्ब्रेला और हो जाती तो चार चांद लग जाते। अगर आप साथ हैं तो हमें अम्ब्रेला की क्या जरूरत है? और आप ये भी कह चुके हैं कि हमारी जगह आपकी नजरों में बिल्कुल यूनिक है, और अगर दुनिया देखेगी तो नजर लग जाएगी। वो तो है, दुनिया वाले बहुत कमीने हैं, नजर तो लगाएंगी, मगर हम भी किसी से कम नहीं है। हर नजर को तार तार कर देंगे, तेरे जुल्फों की छांव में ताउम्र गुजार देंगे। नजर क्या चीज है सोना जी, हम तो जमाने का नजरिया बदल देंगे।
आपको अभी लगता है कि हमें भी दूसरों की तरह बाहर जाना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए? आपको किस चीज की कमी है इस घर में कि आपकी बीवी को बाहर जाकर काम करना पड़े? आप इतने बड़े इंस्पेक्टर हैं, कितना कमाते हैं, हर तरफ आपके चर्चे हैं। हर तरफ आपकी चर्चा है, सब यही कह रहे हैं कि आपने कितनी खूबसूरती के साथ हमारे परिवार को म्यूर रोड का सबसे कामयाब परिवार बना दिया, और आपने जो भी किया कितना संभाल के किया। लेकिन देवर जी, ये नई बहू तो संभाले नहीं संभलना चाहती, इसके दिमाग में हाउसवाइफ का कीड़ा घुस गया है। ऐसा करके बैठेगी तो ये शादी करने का फैसला ही गलत साबित होगा। आपका सोचना सही हो सकता है, लेकिन लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये सब पहले सोचना चाहिए था ना देवर जी। ये नई दुल्हन का रिश्ता आप ही ने कराया ना। अभी देखिए देखिए, रिश्ते में कोई खराबी नहीं, और इतनी जल्दबाजी में किसी फैसले पर आ जाना वो भी भाभी ठीक नहीं है। आप सब समझती हैं, तो इसकी तरफ आप नजर क्यों नहीं डालती? हमारी नजर तो 40,000 पर ही है देवर जी, पर उसे गवाने के बारे में उसने कैसे सोच लिया? बाकी सबको छोड़िए, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम वैसे वैसे कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी बहुत जल्द सॉल्व होती दिख रही है, क्योंकि जो काम रात में नहीं हो सकता वो दिन में हो सकता है, और अगर सुहाग रात नहीं हो सकती तो सुहाग दिन हो सकता है। पहले आप ये बात मान लीजिए कि घर चलाना कोई छोटा काम नहीं, देश चलाने जैसा ही जिम्मेदारी भरा काम होता है। देखो, अब तक हमारी मम्मी जी ने भी घर को देश की तरह चलाया, लेकिन आपकी जो बात है ना वो भी आई थिंक बिल्कुल सही है। अब तो ये हमारा भी घर है, आप देखिएगा हम इस घर को स्वर्ग जैसा सुंदर बना देंगे। आप खुश तो है ना? हम तो आपके पास हैं तो खुश ही रहेंगे। चलिए जाइए, अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। ऐसे थोड़ी खुश रहेंगे, अभी तो आधा भी पास नहीं है। अभी नहीं, आप लेट हो रहे हैं। और हाँ, जाते जाते और जाते जाते रेजिग्नेशन लेटर देते जाइएगा। ठीक है, कहीं भी हम लेट नहीं होंगे। और एक बात तो है मम्मी जी, इज ऑलवेज राइट, लेकिन आपकी बात में भी दम है। ऐसे नहीं, तसल्ली से रात को सिखाएंगे। हाउसवाइफ है सब जानती है। देखिए भाभी, ये घर में जो कंपटीशन का माहौल है वो उससे छुपा नहीं है, और कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है वो हर जगह उत्थान ले आता है। अब देखिए, मुझे लगता है कि जब सब पटरी पे आएगा तो वो निर्णय के बारे में सोचेगी। देवर जी, सोचने का काम उसे हम पर छोड़ देना चाहिए। इस गधा पचीसी के चक्कर में 40,000 का कबाड़ा कर रही है। लेकिन देवर जी, हम भी इतनी आसानी से उसके दिमाग को म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी नहीं बनने देंगे। हाँ भाभी, आप इतनी दूर का क्यों सोच रही हैं? देखिए, मैं जानता हूँ कि ऊपर वाला जो भी करेगा उससे इस घर का भला ही होगा। नहीं देवर जी, हम ऐसा नहीं मानते। अगर हमने ये सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया तो जो ये नीचे वाले हैं ना, हमारी क्या सुनेंगे? हमें चाहे जो करना पड़े, आप देख लीजिएगा, नई बहू नौकरी पे जरूर जाएगी। हाउसवाइफ है सब जानती है।